मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास टेन का जो आपका जो सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज इसके जितने भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ठीक है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आज मैं उनका आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है, और उस आंसर को मैं फिर पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है, देर ना करते हुए हम सीधा अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है, आ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं, है ना, आपका जो पहला आपका जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। फर्स्ट है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि वो जो सेरेमनी है, वो जो समारोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, एंड कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि क्या आप किसी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं जो कि भारत में हो और जो सैंडस्टोन से बना हुआ हो, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ओके स्टूडेंट, जो सेरेमनीज है वो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हुआ था, द पार्लियामेंट हाउस में, और इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में आपको कुछ बिल्डिंग्स के नाम बताने हैं जो कि सैंडस्टोन बना हुआ है, तो वो क्या है, द पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो दिल्ली में स्थित कुछ बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट भी है जो कि चेन्नई में है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के, ठीक है, जो कि भारत में हैं और वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका वो क्या है, कैन यू से हाउ 10 मे इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि क्या आप बता सकते हैं कि 10 मे को एक ऑटम डे साउथ अफ्रीका में क्यों कहा गया, तो कहा जा रहा है कि 10 मे इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, कहा जा रहा है कि 10 मे एक ऑटोमन डे था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इस दिन जो है साउथ अफ्रीका में एक सबसे बड़ी गैदरिंग या सबसे एक बड़ा समूह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का वहाँ पर इकट्ठा हुआ था साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन नेशनल गवर्नमेंट वहाँ पे स्थापित हो रही थी, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, यानी कि शुरुआत में अपने स्पीच के शुरुआत में ही मंडेला मेंशन करते हैं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो इससे उनका क्या मतलब है, एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है ना, जिसके बारे में अंत में बताते हैं, तो इसका आंसर होगा बाई एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन टू से दैट कलर्ड पीपल हैव सफर्ड इमेंसली ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ वाइट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से मतलब है कि जो वहाँ के कलर्ड लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो अश्वेत लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, ठीक है, भेदभाव झेला उन्होंने गोरे लोगों के हाथ में वाइट लोगों के हाथों, ठीक है, सो ही कंसिडर्ड इट एज अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उन्होंने इसे एक बहुत ही बड़ा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का नाम दिया है कि उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो कि एक अश्वेत व्यक्ति है, ठीक है, वो एक प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका की धरती पर, वहीं का एक अश्वेत व्यक्ति वहाँ का आज प्रेसिडेंट बन गया है, ठीक है, और जिसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था, तो एक ऐसा आदमी वहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका है, तो इसे उन्होंने एक ह्यूमन अचीवमेंट कहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल फोर, मंडेला जी ने अंतर्राष्ट्रीय जो नेता लोग हैं उनको उन्होंने थैंक्स क्यों बोला है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वेयर कंसिडर्ड आउटलॉज,
फिर यहाँ कहा जा रहा है कि जो मंडेला है, मंडेला जी हैं वो बहुत ही प्रिविलेज है ना, अपने आप को मान रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने वर्ल्ड के सारे नेताओं को आमंत्रित किया, ठीक है, और वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनका, क्योंकि बहुत बहुत पहले की बात नहीं है जब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको आउट लॉज माना जाता था, ठीक है, एंड दस थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, और वो सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद बोलते हैं जिन्होंने उनके प्रेसिडेंट के, जब वो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंटशिप की जब शपथ ले रहे थे तो वहाँ पर सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ठीक है, और ये सारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नेता थे वहाँ पर आए थे, ठीक है, और इसे वो एक कॉमन विक्ट्री की तरफ ट्वीट कर रहे थे जो कि जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की एक कॉमन विक्ट्री थी। तो इसमें सभी लोग अपना अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाने आए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या क्या आदर्श अपने दिमाग में उन्होंने रखा, ठीक है। तो मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। तो मंडेला जी ने अपने देश के लोगों के लिए फ्यूचर में उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे, वही इसका आंसर बताया जा रहा है कि एक तो गरीबी का अंत हो, है ना, गरीबी के अंत का सपना उन्होंने देखा, और जितने भी दुख तकलीफें हैं साउथ अफ्रीका के लोगों की उनका अंत, इस चीज़ का सपना देखा उन्होंने। एंड ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर सोसाइटी, और उन्होंने एक ऐसा सोसाइटी के निर्माण की बात सोची जहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, जेंडर के आधार पर या नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी भी लोगों के साथ नहीं होगा। तो ये आइडियल्स उन्होंने अपने देश के लिए, अपने फ्यूचर में अपने देश का क्या स्थिति होगी उसका वैसा आदर्श उन्होंने देखा। चलिए आगे है, What do military generals do and how has their attitude changed and why? यहाँ कहा जा रहा है, सबसे पहले ये सेकेंड ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ठीक है, इसमें पहला सवाल है कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या करते हैं, है ना, और उनका जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हो गया और क्यों चेंज हो गया। तो इसका आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है कि द हाइएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला प्लेस्ड ऑन देयर लॉयल्टी। तो वहाँ के जो हाइएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, है ना, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ ली। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ओवर ग्रेट चेंज, और उनका जो एटीट्यूड है अश्वेत लोगों के विरुद्ध में वो एटीट्यूड जो है उनका चेंज हो चुका है, और इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे हैड सब्डक्टेड हिम, और किसी ब्लैक पर्सन को अरेस्ट करने की बात निकल चुकी है ना, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया बल्कि उसके बदले उनको सल्यूट किया, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वेयर टू नेशनल एंथम सन, यानी कि दो राष्ट्रीय गान उस दिन क्यों गाए गए, ठीक है। तो इसका आंसर है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम वर सन, वन बाई वाइट्स एंड द अदर बाई ब्लैक्स। दो नेशनल एंथम गाए गए, एक तो वाइट लोगों के द्वारा और दूसरा ब्लैक लोगों के द्वारा, क्योंकि दिस सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। ये जो था वो ब्लैक्स और वाइट्स लोगों की इक्वालिटी को सिंबलाइज कर रहा था, उनकी पहचान थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला है अपने कंट्री में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इन द फर्स्ट डिकेड और दूसरा इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th century। इसका मतलब है कि जो मंडेला साहब हैं, मंडेला जी हैं, वो अपने देश में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और ये दो अलग अलग समय के बारे में कहा जा रहा है, इन द फर्स्ट डिकेड और दूसरा इन द फाइनल डिकेड, ठीक है, 20th century की। इसका आंसर है, तो मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री फर्स्ट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century। जहाँ तक फर्स्ट डिकेड की बात है तो जो वाइट स्किन के लोग थे, वाइट स्किन है ना, यानी जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस, दे पास्ट ऑफ द डिफरेंसेस, उन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस, अपने सारे मतभेद भुला दिए, है ना,
और एक नस्ली भेदभाव का एक सिस्टम खड़ा किया जो कि डार्क स्किन लोगों के अगेंस्ट में था, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया जो कि जिसे वर्ल्ड में कभी भी पहले इतना क्रूर सिस्टम पहले वर्ल्ड में कभी देखा सुना नहीं गया था, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट अब देखते हैं। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th century द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन्स। जहाँ तक फाइनल डिकेड की बात है, 20th century की फाइनल डिकेड की बात है, जो कि पुरानी जो सरकार थी है ना वो बिल्कुल ही पलट चुकी थी, ठीक है, और एक नई गवर्नमेंट आ चुकी थी है ना, जो कि सभी लोगों के अधिकारों और उनके आज़ादी है ना की पहचान करती थी, उनको उनके कलर और उनके स्किन को ध्यान में रखे बिना, ठीक है। चलिए तो ये था। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि मंडेला जी के लिए करेज का मतलब क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के अनुसार करेज का यह मतलब नहीं होता कि फियर ना हो, फियर का एब्सेंस है ना, फियर की अनुपस्थिति उनका मतलब नहीं था, बल्कि विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि फियर यानी डर के ऊपर जीत होनी चाहिए, ये होता है करेज का मतलब है ना, डर के ऊपर जीत, ना कि डर की अनुपस्थिति। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंकर फियर। उनके अनुसार जो बहादुर व्यक्ति होते हैं उनको फियरलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल उनको क्या होना चाहिए, बल उनको इस लायक होना चाहिए कि वो उस पर विजय प्राप्त कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। उनके अनुसार नेचुरल क्या है, टू लव है या हेट है, ठीक है। इसका आंसर होगा, फॉर मंडेला लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट देन हेट, ठीक है। मंडेला के लिए लव जो होता है वो नेचुरली रूप से इंसान में आता है, ठीक है, और हेट नेचुरल नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्या है, विच डज ही थिंक फिनिश्ड। ये तो ये बाजू क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लास्ट इस चैप्टर का ओरल कॉन्फिडेंस चेक है उसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, वॉट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मैंशन, मतलब कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में मंडेला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बताया जा रहा है कि मंडेला मैंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन, पहली जिम्मेदारी है उसके अपने परिवार के प्रति, माता पिता पत्नी और बच्चों के प्रति, और जो दूसरी जो जिम्मेदारी है वो है टू हिज पीपल हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, उनके लोगों के प्रति है, उनके समुदाय के लोगों के प्रति है और अपने देश के प्रति है, ठीक है। तो ये दो जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। चलिए अब है सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड बींग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। सो लाइक एनी अदर डू, फ्रीडम फॉर मंडेला मींस मेकिंग मेरी एंड एंजॉयिंग अ ब्लिसफुल लाइफ, ठीक है। मंडेला के लिए जो है ना जीवन, मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है कि मेकिंग मेरी, मतलब मजे में अपना जीवन बिताना और अपने जीवन को बहुत इंजॉय करना, ठीक है। एंड ही वॉज फ्री टू रन नियर हिज फील्ड इन द मदर हट। सो बताया जा रहा है कि वो अपने मदर के घर के आसपास के खेतों में वो घूमने के लिए, दौड़ने के लिए वो बिल्कुल फ्री थे, ठीक है। और अपने घर के पास की बहने वाली जो साफ सुथरी नदी थी उसमें नहाने के लिए, तैरने के लिए वो बिल्कुल फ्री थे। एंड हिज सेंस ऑफ फ्रीडम वॉज लिमिटेड टू हिज ओन एन्जॉयमेंट, ठीक है। उनका फ्रीडम का जो उनका ज्ञान था वो उनके अपने एन्जॉयमेंट तक ही सीमित था। और जब तक एज लॉन्ग एज ही ओबीड हिज फादर, जब तक वो अपने फादर की बात मानते थे है ना, और अपने ट्राइब के सारे कस्टम्स को फुलफिल करते थे, हिज फ्रीडम वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। उनकी जो आज़ादी थी वो इंसान के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा बंधे हुए वो नहीं थे, या फिर भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से वो बंधे हुए नहीं थे।
लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ही लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि बचपन की जो उनकी आज़ादी थी वो एक भ्रम था। एंड वंस अ पर्सन बिकम्स एन एडल्ट, एक बार एक जब एक आदमी एडल्ट हो जाता है, देन एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक ट्रांजिटरी। तो बचपन के वो सारे जो आज़ादी थी वो ट्रांजिटरी यानी कि क्षणिक दिखाई देते थे, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटी इज़ वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव। क्योंकि बचपन की जो आज़ादी होती है ना, वो एक एडल्ट के नज़रिए से वो बहुत ही बचपनी से भरा हुआ होता है, ठीक है, और उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो एज एन एडल्ट ही वॉन्टेड फ्रीडम नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे नाइट रीड आर ब्लेस्ड हिमसेल्फ। तो जब वो एडल्ट हो गए तो शुरुआत में तो वो अपने लिए सिर्फ आज़ादी चाहते थे, है ना, वो क्षणिक आज़ादी जो कि उनके रातों में घर से बाहर रहने की आज़ादी, या जो भी वो पढ़ना चाहे उसकी आज़ादी, या फिर जहाँ वो जाना चाहे उसकी आज़ादी। और जब वो बाद में जब वो यंग मैन बन गए, ठीक है, तो जब जोहान्सबर्ग में जब गए तो वहाँ पर उनको एक बेसिक और एक सम्मानजनक आज़ादी की चाहत उनके अंदर जगी। हिज पोटेंशियल लर्निंग स्किप एंड मैरिंग हैविंग अ फैमिली, तो इन सब के लिए है ना, पैसे कमाने की, शादी करने की, है ना, इन सब की आज़ादी उनको महसूस हुई। सो अर्निंग ऑनेस्ट लाइवलीहुड फॉर द डेली ब्रेड गेट्स एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। तो बाद में जो है उनको ये सारी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, ठीक है, तो ये सारी जो आज़ादी थी उनको बाद में महसूस हुआ कि वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, ठीक है, और उनको वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है। चलिए आगे देखते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, वाई नॉट, क्या मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेशन है, जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है, क्या वो फ्री है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर मंडेला कहते हैं कि मंडेला डज नॉट फील द ऑपरेशन इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेशन इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मंडेला ऐसा महसूस नहीं करते कि जो अत्याचारी व्यक्ति होता है वो फ्री होता है, क्योंकि उनके अनुसार जो एक ऑपरेशन होता है वो भी नफरत का कैदी होता है, ठीक है, ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिसेस, जो कि भेदभाव है ना, भेदभाव के सलाखों के पीछे वो बंद होता है, और भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता, भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के सलाखों के पीछे होता है। ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेशन एंड ऑपरेशन आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, तो वह महसूस करता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ और जो अत्याचार करने वाला है, ठीक है, दोनों से ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत जो है वो छिन जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब बाकी के अब अगले वीडियो में मैं आपको थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, अब इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट, चलिए थैंक यू।